अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी। इंडस डॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हदीका कियानी और आप लोग देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर मुअज्जम खान, उनके साथ हैं आलिया नज़ीर टैरो कार्ड रीडर, हमारे क्यूट से रेड लिप्स वाले नोनी और पिंक से टोनी, और यहाँ पे ऑडियंस में बबलू डब्लू। नोनी ये फोन तो रखो। एंड्रॉइड ले लिया है जी, भतीजा राड़ा, इसमें बड़ा कुछ है जी। आता दे तेरे डेले बाहर आए ने। मैं फिल्म देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे। कौन सी नेट? नहीं पता, बस चलन रही है। मैंने पैकेज लोगों आया 600 वाला पैकेट। हाँ जी, पैकेज 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 तो पड़े होता ना, पैकेज की समझ नहीं आ रही। आई ये तो बज भी रहा है। वेच सेम में तो बज रहा है ना। इस पे कौन फोन करता है वैसे बताओ? इस पे एक बंदा है जिसका ये उठा के लाया है ना। वो इसको बड़े फोन करता है, खुदा दा वास्ते वापस कर दे। ये जो यो मैन बैठे हुए हैं कौन लोग हैं? ये मंगन वाले ने ना तो लानत पाओ छोड़ो इन्होंने। मुखातिब असलम। हां मुखातिब असलम। कौन? आई एम। ओ ठहर जा लंडे दिए पंडे। अब पुत्र है। हां जी रौनक अली खान बैठा को आम आदमी। गाडे मुंह ते रौनक क्यों नहीं चाचा जी? तुसी अपना नाम फातकी खान रखो। ए तुसी की करदे हो चाचू? वैसे ए कुछ नहीं करदे, सारा कुछ मैं कर रहा हूं। खान साहब आपका वाकई म्यूजिक से कोई ताल्लुक है? सारी जिंदगी बहुत क्लासिकली गाया। अच्छा कोई स्थाई अंतर पेश करो। माशाल्लाह अली बेला सजन आए, संध्या ले पे पे थे। अली बेला सजन आए, वाह अली बेला सजन आए। आज आपको पता है कि कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं? आपसे पहले तो हम आपकी तैयारी की तरफ आते हैं ना, ये जो आपने आखिर उठाई हुई है, सारे जो पैसे आपको चैनल से मिलते हैं आप घर नहीं लेके जाती, फॉरेन शॉपिंग पे आप चली जाती हैं। बाल बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। थैंक यू, ये मेरे सैलून की लड़की ने बनाए। सारी बाल लड़की ने बनाने से और वर्कशॉप वाले ने बनाए। एक बात बताऊं जी, ये तो क्लासिकल घराने से बैठे हुए हैं, जिन गेस्ट को मैं आज बुला रही हूँ ना जी, बात वो असल के घराने के हैं। वाओ, असल और नकल में लोगों को अभी फर्क पता चल जाए। पिंडी गोश्त नाल थोड़ियां रोटियां दो तीन मंगा दोगे? बाबा जी तुसी तरला कराने तो। तेनू कल डेंगी लड़न आया, डेंगी दे उत्ते बैठा उन्हें एकदम सोचा उन्हें, कहा मैं किथे बह गया। नहीं डेंगी नु लड़न आया। अच्छा डेंगी नु लड़िया? अच्छा उस तो बाद सीधा रहो वाली रेडी से गया। उन्हें कहा मैं उस भाई नु लड़िया, मैनू जूस पिया। हमारे पहले जो गेस्ट हैं पाकिस्तान की क्लासिकल मौसीकी के बड़े घरानों में से हैं, पटियाला घराना। वाओ सुभानअल्लाह। और मैं उनके बारे में जितनी भी तारीफें कर लूं मेरे अल्फाज कम पड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे मुल्क की प्राइड हैं, लिविंग लेजेंड हैं, माइस्ट्रो हैं, बहुत बड़ा नाम है, और हम उनको सुनते हुए आ रहे हैं। हमारी जो यंगर जनरेशन है और हमारी जो जनरेशन है वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया हुआ है, सिदारती अवार्ड लिया हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लिया हुआ है, और सितारा इम्तियाज से भी हुकूमत ने उनको नवाजा है। आर वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड उस्ताद हामिद अली खान साहब के लिए बहुत ही तालियां। हमारी जो दूसरी आर्टिस्ट हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, मॉडलिंग से स्टार्ट किया है बल्कि मॉडलिंग कर रही हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, और पॉलिटिकली जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और उनसे बहुत से सवाल जवाब करेंगे और उनके बारे में और जानेंगे। संदल नवाज के लिए बहुत सी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है खान साहब। बहुत मेहरबान। हां साहब माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बड़ा खूबसूरत कुर्ता पहना है आपने, बड़ा डिफरेंट से आप ड्रेसेस पहनते हैं, इसकी क्या वजह है खास? बेटा उन्हें तो पैसे होंगे इस तो पाउंदे हैं। बात ये है कि हमारा जो बड़ों का सिलसिला है ना वो राजे महाराजों में रहा है। मेरे दादा जनरल अली बख्श खान, जिनको म्यूजिक में जर्नैल का खिताब मिला, बड़ा नाम जी, गायकों के जर्नैल, वो महाराजा पटियाला के दरबारी गायक थे। हमारे बुजुर्ग जो है वो सारे उन्होंने सिर्फ राजों में महाराजों में गाए, आम लोगों में गाया ही नहीं, नहीं गाया। तो वो ड्रेस वहाँ से हमारा एक कबाब एक नान मिल जाए। और ये तो बेचारा बहुत ही भूखा है। मुगा रहे हो मेरे अबू नु फरिश्त नजर आ रहे नहीं। अच्छा संदल, आपका नाम किसने रखा है इतना खूबसूरत? मजाक चुंगी बड़ा संदल विकता है। रोटी का तो पता नहीं, एक गिलास संदल का ही मंगा दे। चाचा जी तुसी फिकर ना करो, मैं तुहाड़े वास्ते एम्बुलेंस मंगवा रहा हां। 300 दी एम्बुलेंस मंगा लेनी, सठा दी रोटी ना मंगाउणा। संदल आपका नाम किसने रखा है? अच्छा वैसे हदीका जी, मुझे आने से पहले मुझे सोच रही थी मैं कि मुझसे ये सवाल जरूर होगा। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा अब पता नहीं क्योंकि नाम खूबसूरत है तो पूछना तो बनता है। मुझे अपने हाथ से छू कर संदल कर दो और उसमें थोड़ा तुख मलंगा पा दो। जी संदल जी, अगर नोनी इजाजत दे तो हम बात कर सकते हैं? अभी मैंने शेर पूरा नहीं किया, मैंने पूरा करना है शेर। आपके लिए स्पेशल शेर लिख के लाया। जी जी जी। अपने हाथ से छूकर मुझे संदल कर दो। हाँ। मैं सदियों से मनहूस हूँ। मुझे मुकम्मल कर दो। लगता है नोनी मुझसे कोई बदला ले रहा है। इस कदर टूट के चाहो। हाँ। मुझे पागल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं, टूट के बरसो मुझ पर। मुझे ठंड लग रही है, मेरे पास थोड़ा कंबल कर दो। अच्छा गल्ला ते होंदी है ना, दी मेरी एक सलेंटी मंगा दे। चाचा जी तुसी प्रोग्राम ते आए हो या नानो दे घर आए हो? जी संदल आप कह रही हो? जी मेरी सिस्टर ने मेरा नाम रखा था। सिस्टर ने नाम रखा था। रियल नेम तो नायला था, तो जब उनको लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए नाम शोबिस में आने से पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था। वो कह रहे थे उन्होंने कहीं सुना था या आउट ऑफ कंट्री कहीं गए थे, वो वुड संदल वुड। हाँ, संदल, तो संदल। उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये नाम मुझे अच्छा लगता है तो मुझे ये आपका नाम ये रखना। खान साहब, आपको लाइव सिंगिंग में मज़ा आता है या फिर रिकॉर्डिंग में? मतलब आपकी रूह किस चीज़ पर खुश होती है? लाइव में ये होता है कि अब फिल्मी चीज़ें आती हैं, रिकॉर्डिंग में होते फिक्स। अब देखिए मेरा गाना मैंने तेरे जैसा सुना, मैंने हज़ारों दफ़ा गाया है, लेकिन हर महफिल में उसमें कोई ना कोई फ़र्क होगा, डिफरेंट होगा। तो ऑडियंस कितनी मैटर करती है? बहुत। जो म्यूज़िक का काम है ना, ये है नफीस लोगों के लिए, सही, ये जाहिल लोगों का काम नहीं। ध्यान करो। इशारे ना मैंने लगा कि रोटी आ गई। रोटी नहीं आ गई, मरे कैसा मुँह जिम्मे जवाई ने गाला कटिया होंगे। जी खान साहब, तो लोग अच्छे हों तो ज़ाहिर मूड बनता है फिर गाने का। यानी नफासत होनी चाहिए एक आर्टिस्ट के अंदर, प्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। देखें मैं तो ये समझता हूँ, मुझे दूसरे लोगों का नहीं पता, मैं कहता हूँ कि अच्छा फनकार वो जिसका अंदर से भी अच्छा हो। वो मुझे जहर लोग लगते हैं जो अंदर से कुछ हों ऊपर से कुछ हों। मुझे अल्लाह ने इतनी पावर दी हुई है कि मैं बंदे को अंदर से सारा पढ़ लेता हूँ। जरा मेरे हाल चामो थोड़ा है, मेरे अंदर की ही है चामो थोड़ा। चेहरा नजर आंडे काफी बड़ा जी। असल में थोड़ा साढ़े अंदर भी देखो ना की है जी। साढ़े अंदर बहुत कुछ है जी। कख भी नहीं है, एक हाथ है बस। आपको इरिटेशन नहीं होती अगर आप जिस तरह जान जाते हैं एक्सरे जिसे मैं कह रही हूँ, अगर सामने आपकी कूड़ ऑडियंस बैठी हुई हो जिसको पता ही ना हो कि वो सुर क्या लगा रहे हैं, वहाँ पे आपको मज़ा आता है? नहीं, वहाँ पे ये होता है कि हम जरा शॉर्ट करके गाते हैं, शॉर्ट करके गाते, काट काट के गाते, और जहाँ पे सुनने वाली ऑडियंस बैठी हुई वहाँ उसको पूरा मुकम्मल करते हैं, उसको फैलाते हैं। खान साहब ने भी एक बार गाया है कि महफल च 2000 बंदा बैठा सी, एक अखां बंद करके शुरू हो गया, 20 मिनट बाद इन्हें अखा खोलिया एक बंदा बैठा। ये कहना तू मेरा एडा फैन हो, कहना फैन फून कोई नहीं बाहर निकल मैं ताला लाना। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। सानू दोस्त बना लो दोवां नू। आओ तो इन्हें लिपस्टिक भी लाई। अगर बुला लिया करें सानू सिर तले रख के सौ भी गए। अच्छा गल्ला जिन्नी मर्जी करो।
भूख लग चाय मंगा दियो बेशक आए वैसे चाय मंगवा दें यहाँ पे हमारे जो ए, वो चक्कर है ना कि एक मेहमान आया किसी म्यूजिशियन के घर उन्होंने देखा कि ये कितों आ गए अपने पुत्र को कहता पुत्र सड़े कह रहे जा बेटा कुछ लैके आ दे बस बच्चा भी तंग आया कहता अबू जी रक्षा ले आवा टू आपके सितारे मैं हूं हदीका कियानी और हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट उस्ताद हामिद अली खान साहब और हमारे साथ हैं संदल नवाज मौजम खान साहब और आलिया जी हमारे दोनों जो यहां पे गेस्ट बैठे हुए हैं मोहतरमन के जी मौजम साहब माशाल्लाह फरोजे दा पहाड़ हुंदा हामिद खान साहब का नाम भी लिब्रा में ही आता है और इनका सन साइन भी लिब्रा है जब सन साइन लिब्रा होता है तो लिब्रा बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं सबसे पहले ये कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है लेकिन फिर भी मैंने इनका हाथ देखा और हाथ पर ये तीन साइन बने हुए हैं अच्छा ये मैंने देखे बड़े यहाँ पर होता है स्क्वायर इसे कहते हैं टीचर स्क्वायर और ये जो ब्रेन लाइन आखिर में लास्ट में फोर्क होती है तो इसे कहते हैं राइटर्स फोर्क फिर इनकी लक लाइन यहाँ से टूट कर यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ जाती है तो इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये है कि एक तो आदमी की ज़िंदगी में थ्री डिजिट्स तीन का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा ही जैसे तीन भाई प्रोमिनेंट होंगे तीन मेल बच्चे होंगे थ्री डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ होंगे ये इनकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हैं फिर ये कि ये एक होता है एक नॉर्मल आर्टिस्ट जब आप टीचर स्क्वायर बनते हैं तो जब तक आप एक टीचर ना बन जाएं और आपकी अप्रोच टीचर जैसी ना हो जाए लर्निंग में तो आप उस्ताद कभी नहीं बन सकते ये दो साइंस उनको फेवर करते हैं जो पिछला इनका रिसेंट टाइम गुजरा है ये डेढ़ दो साल का टाइम स्पेशली और ये जो लास्ट 10-11 महीने गुजरे हैं डेढ़ साल का जो टाइम है इनकी फैमिली लाइफ डोमेस्टिक अफेयर पर्सनल लाइफ और इनकी अपनी जो हेल्थ है उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा नहीं था और इसी में काफ़ी सारी स्ट्रेसेस आप पर हैं जो इंशाल्लाह ताला एक डेढ़ महीने के बाद दिसंबर में ख़त्म हो जाएंगे आपकी सेहत रिवाइव हो जाएगी और घर की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएगी जी आलिया जी खान साहब की एक आर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और जैसे उन्होंने कहा लिब्रा तो मुझे भी आप लिब्रा ही लग रहे हैं अहम बात जो इस वक्त आपके लिए आपको अपने जो एक गम और डिप्रेशन का सामना है आप कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे आप कहते हैं छड्डो जी ये एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में ऐड हो गई है जो पहले नहीं थी आप करते थे सारा एक मोटिवेटेड थे अब आप मोटिवेटेड नहीं गिव अप कर देते हैं हाँ जी विथड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आपकी साइकी में नज़र आ रहे हैं आपने अपने दोस्तों को छोड़ दिया है तन्हाई का शिकार हो गए हैं उससे निकलिए दोस्त बना लो दोवां नूं आ उतो इन्हें लिपस्टिक भी लाई अच्छा बुला लिया करे सानू सिर तले रख के सौं भी गए अच्छा गल्लां जिन्नियां मर्जी करो भूख लग चाय मंगा दियो बेशक आए वैसे चाय मंगवा दें यहां पे हमारे जो चाय मंगा दिए हां जी अपना कप लिया चाय रासी मंगा दियो गरीब आदमी चाय रस तुसी बड़े अमीर कख नहीं मंगाया वैसे अमीरों के घर में ही ऐसा होता है ना चाय कि जब गरीबों के घर में जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें खाने को मिलती है अमीरों के घर में वेट करना पड़ता है कब चाय आएगी कब बैठेंगे इतनी देर में आपकी मीटिंग खत्म होती है आप घर चले और अक्सर अमीरों के घर में ये भी कहा आपने चाय तो नहीं पीनी जी जी बिल्कुल ऐसे ही चाय तो है ना वो चक्कर है ना कि एक मेहमान आया किसी म्यूजिशियन के घर उन्होंने देखा कि ये कितों आ गए अपने पुत्र को कहता पुत्र सड़े कह रहे जा बेटा कुछ लैके आ दे बस बच्चा भी तंग आया कहता अबू जी रक्षा ले कि संदल नवाज साहब जो है ये इनका सन साइन है एरीज एरीज मेल सन साइन में आता है नॉर्मली ऐसा होता नहीं है ये जब भी होगा तो आदमी यानी कि जो औरत है वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की होगी उसमें स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी उसे सोसाइटी में काम करने के लिए एक डिफरेंट एनर्जी चाहिए होगी जो उसके अंदर होगी जिस तरह होता है ना कि औरतें छुप कर बैठ जाती हैं या अपनी मर्जी नहीं करती हैं अगर ये बिल्कुल एग्रेसिव टेम्परामेंट से और अपनी अप्रोच की वजह से अपनी उस जिद की वजह से अपनी जिंदगी में उस मकाम पर पहुंच जाती हैं अच्छा पता अब मेरा मुंडा गिरवी रखवा के एक शवारमे में मंगा दे आलिया जी प्लीज हाँ 2008 से ऑनवर्ड्स मुझे लगता है संदल की जिंदगी इस कार्ड की तरह है बिल्कुल चेंजेस 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 बिल्कुल ये कार्ड से हम टावर कार्ड कहते हैं अगर आप देखो तो बिजलियाँ कड़क रही हैं कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है कुछ भी प्लान्स के हिसाब से नहीं होता आप बहुत पॉजिटिव हैं आप हर प्रॉब्लम को हर चैलेंज को इस तरह से लेती हैं कि जैसे अच्छी बात है वो चीज़ जो है वो आपको चलाई जा रही है आपकी जगह कोई आम लड़की होती तो अब तक ख़त्म हो चुकी भी होती बिल्कुल सच कहा
इन हालात ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, अब आप बिल्कुल मुकम्मल अपनी ज़िंदगी के कंट्रोल में हो। आपको जो स्ट्रेस होता है या जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपको एक पेट कोई रखना चाहिए, कोई पालतू जानवर। वो मैं पेट अपने घर लेकर आई थी 2008 में। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अच्छा बुरा वक्त भी साथ साथ चलता रहा, मेरे पेट का नाम पांडू था। तो मैं कह रही हूँ कि इसको क्या हो रहा है, ये कुछ प्रॉब्लम है, और आपके पालतू जो जानवर होते हैं वो आपके ऊपर आने वाली ले लेते हैं। जी हाँ। बिल्कुल, और ये सच है। डॉक्टर के पास मैं उसको लेकर गई हूँ तो उसकी गर्दन बिल्कुल ऐसे होती जा रही है, बिल्कुल अकड़ती जा रही है। तो जैसे ही मैं उसको लेकर उधर गई तो उसने कहा कि इसको ना इंजेक्शन लगवा दो, क्योंकि ये अजियत मिल रही है, आप इसको लगा। आप यकीन करेंगे, जैसे ही उसकी डेथ हुई और कुछ दिन के बाद मुझे लगा कि जैसे मैं कुछ सही हो रही हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम जो है वो कम हो रही है। प्लेट मिल जाएगी खाली, की करना है आ, नाल दिया दे करो थोड़ा सालन दे रोटी। अच्छा संदल, पॉलिटिक्स में आपका किस तरह से, यानी काफी एक्टिव दिखाई देती हो मुख्तलिफ जलसे जुलूस में, किस पार्टी से ताल्लुक है? पीपीपी पाकिस्तान खप्पे। पीपीपी में कौन, यानी कि आसिफ अली जरदारी या पार्टी जहां से स्टार्ट हुई भुट्टो साहब से। मेरे बाबा जो थे वो भुट्टो साहब के साथ उन्होंने काम किया हुआ है, वो पीपीपी के जियाले जिस तरह होते हैं के जियाले। आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं? मैं हूँ ऑलरेडी। कोई सीट, कोई पोजीशन? मेरी सिस्टर MNA की टिकट होल्डर भी हैं, अभी उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा है पीपीपी की तरफ से। जी पीपी की तरफ से अभी, और पंजाब की वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आप नहीं लड़ेंगी इलेक्शन, तुम साडे महल्ले खलो जाओ। क्या होगा फिर आपके महल्ले के लोग? वोट ही वोट। नहीं, तुम ही थोड़ी देर खलो जा। जी आली, मेरा दिल चाह रहा है कुछ पीपल्स पार्टी के बारे में प्रेडिक्शन आपको दूं। जी जी प्लीज, मेरे बारे में कहें ना कहें, पीपल्स पार्टी के बारे में मैं जरूर सुनना चाहूंगी। पीपल्स पार्टी को आसफा भुट्टो टेक ओवर करेंगी। आसफा भुट्टो का जो सितारा है वो बिलावल से बहुत ऊंचा है, ठीक है, और अगले इलेक्शन के बाद ये लोग नजर आएंगे। अभी ये सारे मुझे जेल में जाते दिखाई दे रहे हैं, और अब जो आने वाले दिनों में बारी है वो मुराद अली शाह की है। हतीका जी, ना कुछ फड़ी जान दे, दो रोटियां नहीं फड़ के ले आ सकते? हां सब, अपना कोई सॉन्ग जो आपका अपना फेवरेट सॉन्ग। मैं ये चाहता हूं कि लोग अच्छा कहें, जो मुझे ज्यादा लोगों ने पसंद किया वो मेरा मैंने तेरी जैसा होना लगा। क्या कहने, मेरी एक गजल गाई थी मैंने अलामा इकबाल साहब की, दिल की बस्ती अजीब बस्ती है, लूटने वाले को तरसती है। एक और अलामा साहब की गजल गाई थी मैंने, दिल सोच से खाली है, नेगे पाक नहीं, वो भी लोगों ने बहुत पसंद की। फिर मेरी गजल गुजर गया जो जमाना उसे भुला ही दो। वहाँ खान साहब जैसे लोग बैठे हुए थे, उसके कहते बीबी इसमें शक भी नहीं। ये हो नहीं सकता कि हम यहाँ पे आपसे कुछ सुने ना, ये सारी ऑडियंस बैठी हुई है ना, देखें थोड़ा सा। मैं एक राग दरबारी में, बल्कि जो आपने मैंने दोनों ने गाया है, सुहानी रुताई, मैं थोड़ा सा वो पेश कर देता हूँ। सुहानी रुताई मन जो दे सुहानी रीत आई, मन जो में सुहानी रीत आई, मन जो में सुहानी रीत आई, मन जो में सुहानी रीत आई, मन जो तितली के संग घूमे, कलियों के मुख चूमे, घूमे चूमे घूमे चूमे घूमे, सुहानी मन जो सुहानी सुहा
छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। हजरत सुनो मैं की कह रहे हैं। हाँ। वही धर्म दिसन लगा असि जुतियां नहीं है उस्ताद दी चुकियां इन्हे उस्ताद दी जुतियां चुकियां ना फिर पर्चा करा दिता 14-15 उस्ताद बैठे सी इन्होंने जुतियां छापर पा के चुके ले गए उस्ताद दी खिदमत की वेलकम बैक टू आपके सितारे। मैं हूँ हदीका क्यानी और हमारे साथ हैं उस्ताद हामिद अली खान साहब और हमारे साथ हैं प्यारी सी संदल। संदल, कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया लाइफ का? मैं लाहौर से इस्लामाबाद जा रही थी और रास्ते में मुझे एक कॉल आती है। हेलो, मैंने कहा जी कौन बात कर रहे हैं? वही बात कर रहा हूँ। मैंने कहा वही कौन भाई, किससे बात करनी है? अब ये बताओ कि अभी मिल रही हो कि नहीं? वी। मैंने कहा भाई मुझे लगता है आपने गलत नंबर पे कॉल कर लिए। कहता जब पैसे मंगवाती थी तब नहीं पता था। भाई मेरे रब्बा। ठीक है जी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा भाई आप कौन है, क्यों आप मेरे से ऐसे बात करें? संदल बात कर रही हूँ। मैंने कहा जी बात कर रही हूँ, कल कितने पैसे मंगवाए थे? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता। कहता है कि जी इतने पैसे भी आपकी तरफ हो गए और हर रोज आप यही कहते हो कि आज मिलूंगी कल मिलूंगी। रॉन्ग कॉल थी ना जी? ना है। आगे सुनने अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजली। मैंने गाड़ी स्टॉप की साइड पे लगाई। मैंने कहा जी बताइए, मैं भी सीधी होगी। मैंने कहा कि इतना बंदा मुझे जलील पे जलील किए जा रहा है। एक दोस्त संदल बन के बात कर रही थी और अभी तक तकरीबन 10-15 लाख उससे खा चुकी थी और मुझे आज तक नहीं पता था कि वो इंसान है कौन। ना मैंने कभी उसकी आवाज़ सुनी। तो मैंने कहा आपने मेरी आवाज़ सुनी? कहता हाँ आपसे रोज बात करता हूँ। शक्ल नहीं देखी थी उसने? नहीं जी, उसने मेरा टीवी पे ड्रामा देखा। और बंदा था वैसे, नंबर लिया मेरा। इतना थोड़ा हुआ बंदा था। और जिसने नंबर दिया उस बंदे को पता था कि वो किसका नंबर दे रहे और वो ही दोस्त थी मेरी। ऐसी बात नहीं थी कि वो दोस्त नहीं थी, दोस्ती हर वक्त उसको मेरे आने जाने का हर चीज पता थी। तो दोस्तों को भी जरा फिल्टर कर लो ना। अभी इसलिए किया हुआ है, जितने प्यार से उसने कहा था ना। तो मैंने कहा भाई उसने इतने खा लिए तो अगर मैं बात करूंगी कितने खा सकूंगी। इतना मनहूस था दोबारा फोन नहीं किया। ओए होए। तो कुड़िया ने ना तो उदाहरण वाले कहते अच्छा कोई बात नहीं अगले साल से या मैनेज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ। असी किसी 30 रुपये देने और साड़ी टेंड करन नु फेर ला। तुम्हारे साथ कभी ऐसा को वाक्या हुआ है? मैंने कभी किसी से मांगा ही नहीं, खुद दे जाते हैं लोग। वैसे नहीं बता तो सही, क्या कभी तुमने किसी का उधार देना हो? एक बंदे का मैंने उधार देना था, मैंने किस्तों पे ली थी। वो बड़ी फ्रिज नहीं होती। हाँ। वो जो किस्त लेने आता था ना वो खान साहब थे, अकबर खान। अच्छा। बस वो हर महीने किस्त लेने आते थे। नोनी के वाक्य से मुझे एक वाक्य याद आ गया। पठान किस्त लेने? पठान वैसे वाक्य ऐसा, एक अंकल है जहाँ से घर का सारा ग्रोसरी वगैरह जाती है। तो कुछ दिन पहले मैं जब लाहौर में आई हूँ तो मैं उधर गई, कुछ चीज़ें लेकर आ गई। तो मैंने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा बाजी आएंगी तो खुद ही पैसे दे देंगी। अब वो मुझे बाजी रोज़ कहती है कि उधर से जाके ना चीज़ें ले। मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं जाना। कहती क्यों नहीं जाना उधर? मैंने कहा वो मैंने अंकल के पैसे देने ना इसलिए नहीं जाना। अंकल भी ऐसे तेज में नहीं ले रहे पैसे। मैं उधर जाऊंगी तो लूंगे लेंगे। मैंने संदल वैसे हिसाब लगाया, तुम वाकया ना सुनाती कॉन्फिडेंस से हो लेकिन वाकया फिका होता है। वो फ्रिज वाला वाकया क्या हुआ फिर? बस किस्तें मैंने दी, फिर 2-4 किस्तें लेट होगी। अच्छा। वो आके कुंडी खड़काना शुरू कर दे रोज ही। अच्छा। मैंने अपने एक दिन ना भतीजे को भेजा, मैंने कहा उसको कहो जाओ घर नहीं है। अच्छा। मेरा भतीजा उसको जाके कहता अंकल कहते हैं वो मैं घर पे नहीं हूं। चाचू आपके साथ ऐसा वाकया हुआ कभी? पुत्र साढ़े ना कोई नहीं होने थे और कितने होने। अच्छा। असि वो लोग हो शाहकार लोग। एक तान मुझे लगा के दिखा दो मैं मान जाऊं। हजरत सुनो मैं की कह रहे हैं। हाँ। वही धर्म दिसन लगा असि जुतियां नहीं है उस्ताद दी चुकियां इन्हें उस्ताद दी जुतियां चुकियां ना फिर पर्चा करा दिता 14-15 उस्ताद बैठे सी इन्होंने जुतियां छापर पा के चुके ले गए उस्ताद दी खिदमत की
ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੌਲੀਆ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਭੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੀਅਲ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਇਨਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਮੇਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਆ ਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਸਿੱਖ ਲੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣੂੰਗੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਮ ਸਭ ਇਹ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟਿਪਸ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਵਾ ਨਹੀਂ ਉਨਕੋ ਜੈਸੇ ਅਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਇਧਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਜਾਏ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹਮ ਤੋ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਦਿਖਾਏ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ 20 ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਮੰਗਾ ਦੇ ਅਸਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਗਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਲੈਦਾ ਗਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ ਅਜਾ ਲੋ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਾਕੇ ਸੁਰੀਲੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਰੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਚਾਚਾ ਕੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋ ਸੁਣਾ ਦੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ ਉੜਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਖਲੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਧੇ ਸਾਹ ਸੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਬ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਹੇ ਦੇਖੇ ਯਾ ਵੀ ਸੰਦਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੇ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਥੇ ਹਮਨੇ ਵੀ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਥੇ ਇਹਦੀ ਕਾਜੀ ਹੈ ਇਧਰ ਜੀ ਕਾਈ ਮਰੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਪੈਟ ਰੱਖਾ ਥਾ ਤੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟ ਰੱਖਾ ਥਾ ਔਰ ਪੈਟ ਤੇ ਹਮ ਦੋਨੋ ਕੋ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਮੈਨੇ ਵੀ ਦੋ ਪੈਟਸ ਰੱਖੇ ਥੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਥਾ ਫਲਫੀ ਆਹਾ ਫਲਫੀ ਔਰ ਉਸਕੀ ਬ੍ਰੀਡ ਥੀ ਮਾਲਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਡੌਗੀ ਥੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਮੈਨੇ ਰੱਖਾ ਥਾ ਪਲੂਟੋ ਹਮਨੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਰੱਖਾ ਥਾ ਅਬੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਆਪਨੇ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਰੱਖਾ ਥਾ ਯੈਸ ਉਸਨੇ ਕਭੀ ਆਪਕੋ ਸ਼ੈਫਰਡ ਮਾਰਾ ਹੋ ਆਪਨੇ ਤੋ ਰੱਖੀ ਨਾ ਫਲਫੀ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਆਪਨੇ ਤੋ ਰੱਖੀ ਥੀ ਨਾ ਫਲਫੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਟ ਥਾ ਨਾ ਮੈਨੇ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਥਾ ਯੂਨਾਡੋਸ ਕਿਆ ਯੂਨਾਡੋਸ ਯੇ ਕਿਆ ਯੂਨਾਰਡੋ ਕੈਪਰੀਓ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਯੂਨਾਰਡੋ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਥੀ ਨਾ ਜੋ ਪੈਟਨੀ ਉਸਕਾ ਮੈਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਥਾ ਪੈਸਲੇਟ ਕੈਨ ਹਾਏ ਕੇਟ ਵਿੰਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਆਲੀਆ ਜੀ ਔਰ ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਨੇ ਕੁਛ ਇਨਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਨਾ ਸੰਦਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਥਾ ਕਿ ਇਨਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਸਖਤ ਹੋਗੀ ਜਿਸੇ 4 ਸਾਲ ਕਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਬ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਬ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੈਸੇ ਅੰਗੂਠੀ ਮੈਂ ਨਗੀਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਇਨਕੋ ਚਾਹੀਏ ਇਨਕਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਕਰੇਗੀ ਵਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਗੀਨੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਆਜ ਮੈਂ ਇਧਰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਸਾਥ ਹੀ ਲੈ ਜਾਊਂਗੀ ਓਏ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਨਗੀਨਾ ਜਾਂ ਪੈਟ अच्छा अगर नोनी को मैंने उठा के ले जाना है तो मुझे क्या फायदा फिर मौसम साहब ने कहा नहीं आप में वो बंदों वाली भी हरकतें आ जाती हैं आप कहीं लेडीज शब की कीमत नहीं चाहे ना करो संदल क्या चाहते हैं आप क्या सुनना क्या चाहते हैं मुझे नोनी बताओ जरा वही लफ्ज जो तीन लफ्ज होते हैं वो सुना दो वही वाले लानत 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 यो यो के साथ ही छोटी सी ब्रेक लेते हैं वी विल बी राइट बैक मेनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना बैठी जावा तेरे कोल रू रज दना मेनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना मेनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना वेलकम बैक टू आपके सितारे ऑडियंस की तरफ आना चाहिए जी ऑडियंस में क्या क्या शाहकार बैठे हुए हैं सिंगर्स किथे सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों को मेरा ख्याल है ने फकी बेच दी तानी तुम भी पागल ही हो वो हमारे मेहमान फकी बेचनी ਉਹਨੇ ਮਸਵਾਕਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫੌਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਰੈਪ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ
खुद वो मैं करना चाहता हूँ कर ले वाओ रैपर अपना है तो मैं चाहता हूँ यार तू कल ही चाहना है अरे कैसा जी मैं बोतल नु सेक लगाऊंदा इश्क दा सूटा लाया लग के सामने तेरे आया तुमको इतना मैंने पिलाया तुमको फिर भी मजा नहीं आया एक बात बता दू जाना तूने किया है दीवाना तेरा मेरा है याराना तेरी पतली कम मेरा रहा नहीं सबर तुम्हें जरा नहीं खबर मैंने हद से गुजरा है जाना ये तो हो गया आपका वाकया आप अगर कहे तो गाने की तरफ आ जाए अच्छा अजकल दे गाने इंजी ने अपने घर दे हालात सुनाओ लप दे मैं कर के आसी जदों भी घर जाना साडा भूआ खुला रहिंदा है फिर अब्बा उठ के लाउंदा है अम्मी रोटी खांदी है भरा बाहर जांदा है बाहरों लैके मंग के आउंदा है तू केड़ा गाना सुनाया है बड़ा तेरा टुट्टी डोई अरगा मूह है अजी गिटार लैके आया जे मुंडा वेरी गुड ए प्रोफेशनल मांगते मेरे ख्याल साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चल जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चल जाना मैं डूब रहा तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ ऐवादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ हर जुल्म देखिए ना कितनी अच्छी आवाज है बस उस्ताद की कमी है उस्ताद मैं ना ही ना ऐसी परेशानी वाली गल आप उस्ताद हैं इनके जी ताही ते अच्छा गाउंडे है मेरे बेने ओनु कूड़ा चुकना सिखाए तो वो पकौड़े क्यों नहीं लेके आ रहा आपके लिए जिन्ना मैं उस्ताद दा दम कीता उन्ने मेरा ये कर दिया ओ ना था प्यार हुआ मेरे चेहरे हजार होना था प्यार हुआ मेरे यार ये साजी आप कुछ बकवास करने लगे पांच छह महीने हो गए ना बच्ची का सुर लगता नहीं ठीक हो जू साल तक हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे बैठे सर मैं तो कभी मौला तेरा करूँ मां मैं भी आपकी शागिर्दी में आना चाहती हूँ क्योंकि जैसे आप उस्ताद हैं मैं बिल्कुल वैसे अच्छा उस लंसरा का काम करता है जी दिल दिया रावा उते पैर नहीं लग दे मुकदरा दे लिखे हाय मिट नहीं हो सकदे मिट नहीं हो सकदे मैनू रब ने बनाया तेरे लियो ए मथे तेरा नाम लिख के बूहे बारियां हाय बूहे बारियां ए कंदाना कर रहा दोबारा ने तेरा मां-पियो को मैनू छितरना पवा दी कौन साहब आपको क्या लगता है कि कौन सा सिंगर जो है वो इनाम का हकदार है वो लड़का खान साहब ये उठ के आ जाओ खान साहब की तरफ जाओ देखिए जी सबसे पहले जो मैंने परफॉर्म किया था तो बूहे बारियां सॉन्ग था टेलीविजन पे हर इंसान कंफ्यूज होता है मैं बहुत कंफ्यूज थी मैं कहती थी मैं कैमरा कैसे फेस करूंगी इस गाने ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था और दूसरी बात यह है कि सबसे पहला जो मैंने वीडियो सॉन्ग किया था शोबीज़ में आते ही
वो था सानू तेरे जिया सोना और लगा आए हाय स्टोरी बोर्ड था खान साहब प्लीज हमें थोड़ा सा खान साहब ये मैंने एक नई कंपोजिशन की है बनी याजी साहब का कलाम है हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में मदद कर दे हो उसकी यार के धार से बंधाना मदद कर दे हो उसकी यार के धार से बंधाना बहुत देरी न रस्तों पर बहुत देरी न रस्तों पे किसी से मिलने जाना हमेशा देर कर देता हर काम कर मैनू तेरे जैसा सोना उतरी सौ सवारी चढ़ी को ठेते ते मैं उतरी सवार आ जा सजना ना जाओ रुसके आ जा सजना ना जाओ रुसके तू जिते ते मैं हार मैनू तेरे जिया सोना होर लभदा ना
ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿੱਬੂ ਵੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਉਹ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇਵੋ ਜਾ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਬੂਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖੂਏ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਮੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦੇ ਬੂਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਟੇ ਵਿੱਚ ਖੂਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੇ ਦਿਲ ਟਲਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਲੱਭਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਰ ਆਪਨੇ ਬਾਂਧ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਥਾ ਕਿ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਆ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਹੂੰ ਹਦੀਕਾ ਕਿਆਨੀ ਇੰਡਸ ਡੋਟ ਨਿਊਜ਼ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਂ ਔਰ ਬੈੱਲ ਆਈਕੋਨ ਕੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਂ